हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत जून टर्म एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिंग एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर सो दैट एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। तो एस को आर का सबरिंग दिखाने के लिए हमें इसे ध्यान में रखना होगा, इस थ्योरम को, कि मतलब किस तरह से हम किसी सेट को किसी अन्य सेट का मतलब सबरिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर प्लस डॉट। ठीक है, देन एस इज अ सबरिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। मतलब सबसेट का ही कोई दो एलिमेंट लेंगे और उसका डिफरेंस को दिखाएंगे कि वह भी एस से ही बिलोंग करता है। इसी तरह से सबसेट का ही कोई दो एलिमेंट लेंगे, उसका प्रोडक्ट को भी दिखाएंगे कि वह एस से ही बिलोंग करता है। मतलब डिफरेंस और प्रोडक्ट दोनों एस से ही बिलोंग करना चाहिए। एस का ही कोई दो एलिमेंट लेंगे, उसका डिफरेंस और प्रोडक्ट दोनों को एस से बिलोंग करते हुए दिखाना है। तो यहाँ भी हम वही करते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ऑल ए आर ए एस। यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लिए एस का, ठीक है, ए आर ए और ए एस ए, जहाँ कि आर और एस क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं, ए आर ए माइनस ए एस ए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों में से इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इन ब्रैकेट के अंदर में आर माइनस एस बाहर में ए। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि तोड़ेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, ए आर ए फिर माइनस ए एस ए, है ना। तो इसे इस तरह से लिखेंगे तो देखा जाए तो ये फिर उसी फॉर्म में है जैसे एस का एलिमेंट है। ये आर माइनस एस भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, तो इसलिए यह किससे बिलोंग करता है, एस से बिलोंग करता है। फिर इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ पर ए आर ए स्क्वायर ए आर ए इंटू ए एस ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई होकर ए आर ए स्क्वायर एस ए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आर। अब ये ए स्क्वायर पहले ही बता चुका है वन के बराबर है, तो ए आर एस ए स्क्वायर वन वन ए आर से मल्टीप्लाई होकर ए आर ई हो जाएगा। ठीक है, ए आर एस ए। तो यहाँ पर फिर क्या देखते हैं कि ये आर एस आ रहा है, तो ये आर और एस क्या है, रियल नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए एक रियल नंबर और ए, ठीक है, मतलब इसी फॉर्म में आ गया है, सेट एस के ही एलिमेंट के फॉर्म में है यह, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह भी एस से बिलोंग करता है। मतलब सेट एस के कोई दो एलिमेंट का डिफरेंस भी सेट एस से बिलोंग करता है, सेट एस के ही कोई दो एलिमेंट का मतलब उन्हीं दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट भी एस से बिलोंग करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एस इज अ सबरिंग ऑफ आर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।